करना होगा, तुमको करना होगा, नहीं तो आप डरना होगा। जवाब दे जो धौलपुर में पहुंची है यात्रा और आप देखें कि नगरवासी सब देख रहे हैं। और धौलपुर की बाजार में होते हुए देखिए जवाबदेही यात्रा जो है वो निकल रही है। और एक कानून की मांग को लेकर राजस्थान के अलग अलग शोरों से आएगी आपके बीच आए धौलपुर में। और हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही कर हो। ये लोग गरीब लोग अपनी शिकायतें लेके दफ्तर में जाते हैं, बजट से सुनता है, उसके बाद उनके काम करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हमारे शहरों में देखिए कैसी सड़क है ये, इसके लिए जरूर आप लोगों ने मेहनत की होगी कि ये सड़क ठीक करी जाए। नालियां आपकी कैसी हैं, जरूर 10-20 आवेदन आपने डाले होंगे लेकिन कोई भी आपको जवाब नहीं मिला होगा, कोई काम नहीं होगा। शायद आप लोगों ने पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था के बारे में बात की होगी, शायद रोड लाइट के बारे में बात की होगी, या
जो एक हफ्ता वसूली चलता है उसको लेके बात की होगी, लेकिन ये तो तय है कि जवाबदेही तो बिल्कुल भी नहीं है। ना जवाबदेही गांव में है, ना जवाबदेही शहर में है, ना जवाबदेही दिल्ली जैसे बड़े जयपुर नगर, और मेरे को कुछ मिला नहीं। ना हो सकता मेरे घर में चिरंजीवी योजना को लेकर कोई बात हो, मैं इस अस्पताल में गई, उस अस्पताल में गई। हम लोग सब सांसते चिरंजीवी योजना का लाभ लेने, और वो हमें बताते रहते हैं। और फिर मुख्यमंत्री कहते देखो बाबा कितनी बढ़िया इंश्योरेंस, बहुत बढ़िया, लेकिन उसको लागू कैसे करें, उसके जवाब से ही कैसे तय हो। और इसके अलावा जिंदाबाद रहना होगा। जाग गए, जाग गए।